हेलो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी जो लेसन नंबर सिक्स है उसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के है, क्वेश्चन हैं फिलिंदी ब्लैंक्स हैं एंड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग वीडियो को पॉज डाउन पॉज कर लेना उसके बाद अपनी फेयर कॉपी पे ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कर लेना और किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं उसको मैं इमीडिएटली रिजॉल्व कर दूँगा ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर सिक्स में आपकी जो चैप्टर का नाम था ट्रांसफ़रिंग ऑफ डेटा ठीक है डेटा ट्रांसफ़र किस डिवाइसेस से करते हैं तो डेटा ट्रांसफरिंग डिवाइसेस के बारे में था आपकी फ्लॉपी डिस्क सीडी हार्ड डिस्क मेमोरी इस प्रकार की सब टॉपिक इस प्रकार के रिगार्डिंग था तो उसी में आपका क्वेश्चन पहला है वन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ तो पहला ऑप्शन दे रखा है सी डी दूसरा बी ऑप्शन दे रखा हार्ड डिस्क तीसरा दे रखा सी ऑप्शन यू पी एस और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज तो सी डी का मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क ठीक है हार्ड डिस्क ड्राइव को आपको शॉर्ट में बोलते हैं एचडीडी और यूपीएस का मतलब होता है अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई ठीक है तो आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी क्या है सीडी है ठीक है तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है क्लियर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ओके okay? दूसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज़ तो पहला ऑप्शन दे रखा है सी डी बी ऑप्शन दे रखा है फ्लॉपी डिस्क सी ऑप्शन दे रखा हार्ड डिस्क और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज तो आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी फ्लॉपी डिस्क है इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पेन ड्राइव इज अ तो पेन ड्राइव आपका क्या है ऑप्शन ए दे रखा है सॉफ्टवेयर बी ऑप्शन दे रखा है हार्डवेयर सी ऑप्शन दे रखा है राइटिंग पेन और डी दे रखा है नन ऑफ दीज तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो क्या है एक प्रकार का कहीं ना कहीं ये मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है बट यहाँ ऑप्शन दे रखा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर राइटिंग पेन तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक हार्डवेयर है एक हार्डवेयर है ठीक है राइटिंग पेन तो नहीं है ठीक है आ, तो आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है ओके okay? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द uh, प्राइमरी ये फिलिंदी ब्लैंक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ एनी कंप्यूटर इज इट्स तो कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है वो आपकी फ्लॉपी डिस्क है ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पेन ड्राइव इज इंसर्टेड इन टू पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर तो इसमें आपको फिलिंदी ब्लैंक्स था तो पेन ड्राइव कंप्यूटर की किस कहाँ पे लगाई जाती है तो यू पोर्ट में लगाई जाती है ठीक है किस पोर्ट में इंसर्ट की जाती है तो आपको फिल करना था यू तो यू का मतलब क्या होता है मीनिंग क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है तो यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछ मैं पूछा जा सकता है किसकी फुल फॉर्म क्या है तो यू एस बी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया ठीक है तो पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी फिल करना था अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा ऑन टू सी इज़ कॉल्ड बर्निंग ऑफ डेटा ठीक है तो सी uh, डी में डेटा को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है उसको बर्निंग बोलते हैं ठीक है तो ये आपके फिलिंदी ब्लैंक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अगले आपके क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग ठीक है तो पहला इसमें क्वेश्चन आपका है हार्ड डिस्क इज़ आ ओनली स्टोरेज डिवाइस तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो ओनली डेटा को स्टोर करने की डिवाइस है तो ये स्टेटमेंट आपका फालस है तो ये आपका स्टेटमेंट फाल्स है ठीक है आप यहाँ पे एफ लिख देना बॉक्स में ओके अगला क्वेश्चन है तो फ्लॉपी डिस्क इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस तो फ्लॉपी डिस्क आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ये बात आपकी ट्रू है आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रू है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वी कैन नाट स्टोर डेटा इन पेन ड्राइव हम पेन ड्राइव में डेटा स्टोर नहीं कर सकते तो ये बात आपकी क्या है फॉल्स है ठीक है हम पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है सी डी बर्निंग सॉफ्टवेयर मेक्स कॉपिंग इम्पॉर्टेंट डेटा इजी एंड फास्ट तो जो सी डी बर्निंग के सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेटा को कॉपी करना करना फास्ट कर देते हैं तो ये बात आपकी ट्रू है ठीक है डेटा ट्रांसफ़र करना फास्ट कर देते हैं ओके अगला क्वेश्चन है डीवीडी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो ऑब्वियसली डीवीडी में आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और एक डीवीडी में आप फोर पॉइंट सेवन गीगा वाइट फोर पॉइंट सेवन गीगा डेटा को स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो ये आप देख सकते हो इसमें फोर पॉइंट सेवन गीगा बाई डेटा स्टोर कर सकते हैं ये लेकिन एक सीडी में आप सिर्फ सेवन हंड्रेड एम बी डेटा स्टोर कर सकते हैं ठीक है तो आपका ये फिलिंदी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए तो आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मेमोरी की यूनिट भी आना चाहिए जैसे एक बिट बिट आपकी मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट उसके बाद बाइट आता है तो एक बाइट में आठ बिट्स होती हैं ठीक है और एक निवल में चार बिट्स होती हैं इसका मतलब है कि एक बाइट में दो निवल्स होते हैं उससे बड़ी आपकी यूनिट है किलो बाइट तो एक किलो बाइट में एक हज़ार चौबीस बाइट होते हैं और एक मेहगा बाइट में एक हज़ार चौबीस किलो बाइट होते हैं ठीक इसके बाद यूनिट आती है आपकी गीगाबाइट तो एक गीगाबाइट में एक हज़ार चौबीस मैंगा होते हैं उसके बाद आपका आता है टेराबाइट तो एक टेराबाइट में एक हज़ार चौबीस गीगा होती हैं ठीक है तो ये आपको मेमोरी का नोटेशन आना चाहिए ठीक है और स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई है वो आप फ्लिप फ्लॉप कह सकते हो एक बिट को एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है ठीक है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है बट स्टोरेज की जो सबसे स्मालेस्ट यूनिट है वो आप कह सकते हो इकाई जो है स्टोरेज की वो फ्लिप फ्लॉप हो सकती है क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है ठीक है तो ये जो मेमोरी के रिगार्डिंग वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा इससे आप जो डेटा की यूनिट है वो अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना क्योंकि आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट है ठीक है तो थैंक यू फ्रेंड्स